आओ आओ इंदर आओ। सर उधर रखो। सर इन दो सूटकेसों में तकरीबन 15 लाख कैश और 2 करोड़ के गोल्ड बिस्किट्स हैं जो बाहर से स्मगल हुए हैं। बैठो। थैंक यू सर। सर ये सारा का सारा माल हमने दहीसर के एक फ्लैट से बरामद किया है। कोई गिरफ्तारी? सर ये फ्लैट किसी हसमुख पटेल के नाम पर है, लेकिन पिछले 6 महीनों से यहां पर 2 लोग किराएदार की हैसियत से रह रहे थे। उन लोगों ने मकान मालिक और बिल्डिंग के बाकी सभी लोगों को यह बता रखा था कि उनका कपड़ों का कारोबार है, लेकिन पिछले 2 दिनों से वो लोग अपने घर पर ताला लगाकर गायब हैं। जाहिर है सर उन्हें हमारे ऑपरेशन की भनक पहले से लग चुकी थी। इंदर हो सकता है इन दोनों का लिंक देवा या जिंदाल के साथ हो। हो सकता नहीं सर, लिंक है। देवा का डेफिनेट लिंक है। सर मैं इस बार चाहता हूं कि मैं जब देवा को अरेस्ट करूं आप वहां पर जरूर मौजूद रहें, क्योंकि मुझे यकीन है आपकी मौजूदगी में कोई हिम्मत नहीं करेगा कि देवा को छुड़ा कर ले जाए। तुम अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाओ इंदर, तुम्हें मेरी जरूरत जब जिस वक्त जहां भी पड़ेगी मैं मौजूद रहूंगा। थैंक यू सर। आकाश भैया के बिना काटने को दौड़ता है अब वो घर। हर कोई बस एक दूसरे को दिलासा दे रहा है, दीपू के मासूम सवाल भी दिल को हिला देते हैं। बाबूजी तो हर एक को दिलासा देते रहते मगर अकेले में फूट फूट कर रोते हुए देखा मैंने उन्हें। सबका प्यारा था वो, शायद ही किसी का दिल दुखाया होगा उसने। ये पेन मुझे आकाश के पास मिला, जिसके पास इसका कैप है वही उसका खूनी है। मैं उसे ढूंढ निकालूंगा, उसे ढूंढ निकालूंगा कुट्टी। सारी बत्तियां बंद क्यों हैं? इतनी रात गए कहां से आ रही है तू? आप शराब पी रहे? मैंने कहा इतनी रात गए कहां से आ रही है तू? मैं भैया से मिलने गई थी। मैंने तुझे पहले भी मना किया था ना कि तेरा देवा से मिलना जुलना ठीक नहीं, मना किया था ना मैंने? हाँ मगर आकाश भैया की मौत के बाद आज पहली बार। कौन हूँ मैं तेरा? मैंने पूछा कौन हूँ मैं तेरा? पति। तो फिर तुम्हें मेरी मर्जी से चलना है, जो मैं चाहता हूँ जब मैं चाहता हूँ वैसा ही करना है। देवा एक अपराधी है और मैं एक अफसर, एक पुलिस अफसर, और मेरी बीवी किसी अपराधी से मेल जोड़ रखे ये बात ठीक नहीं, समझी? माफ कर दीजिए, आगे से ऐसा नहीं होगा। आदत डालो, देवा को भूलने की आदत डालो। मनी जी, तू कितने सालों से काम कर रहा है देवा के साथ? तकरीबन 4 साल से। अच्छा अच्छा, बड़ा भला लड़का है तुम्हारा देवा। उसका दिल भी बहुत बड़ा है। बिजनेस भी उतना बड़ा होगा नहीं? हाँ धंधा अच्छा चलता है। मतलब कि महीने में 1-2 लाख कमाता होगा नहीं? 2 लाख? 10-12 खोका इधर उधर हो जाता है। हा? खोका? खोका बोले तो 1 करोड़। यानी कि 10-12 करोड़? तू सेफपुरी खाएगा? नहीं नहीं माँ। अरे मैं मंगा दूँ, मेरी बहुत चलती है। बाद बॉय। नहीं। मेरी बेटी कैसी लगती है? अच्छी लगती है। तेरे देवा को कैसी लगती है? बहुत अच्छी। हाँ एक पंडित ने मेरी बेटी से कहा था कि वो बहुत बड़े घर जाएगी। अब तू सोच क्या मस्त जोड़ी रहेगी, राम सीता, शिव पार्वती, देवा जया। नहीं वैसे देवा कहाँ है? Oh.
क्या बात है? मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या? आज बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटा पाई हूँ ये कहने के लिए कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। आई लव यू। देवा, देवा मेरी बात तो सुनो। देवा, अच्छे तो तुम मुझे पहले दिन से ही लगने लगे थे। धीरे धीरे जितना मैं तुम्हें समझती गई, उतनी ही गहरी जगह तुमने मेरे दिल में बना ली। देवा, जया, तुम जानती हो मेरी जिंदगी क्या है? मेरे साथ सपने जोड़ने का मतलब समझती हो? कल पुलिस के हाथों मारा जाऊं या दुश्मन के, मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। मैं जानती हूँ देवा, भगवान को जितने दिन हमारा साथ मंजूर है उतने दिन मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये हो सकता है, अगर तुम चाहो तो सब कुछ हो सकता है। देवा, एक बार अपने दिल में प्यार जगा लो, देखो जिंदगी एक नया मोड़ ले लेगी। देवा, बकवास बंद करो। तुम जानती हो मेरी लड़ाई क्या है, मेरा मकसद क्या है? मैं तुम्हें अपनी जिंदगी के साथ जोड़कर अपनी लड़ाई कमजोर नहीं करना चाहता। हाँ हाँ, मत जोड़ो मुझे अपनी जिंदगी से। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा मकसद सिर्फ खून, मौत और इंतकाम है। अरे, नफरत की मशाल जला रखी है तुमने अपने अंदर। तुम किसी से प्यार नहीं कर सकते, किसी से नहीं। अब इन पैसों की कोई अहमियत नहीं मिस्टर देवा, क्योंकि उनकी बीमारी अब ऐसी स्टेज पर पहुंच चुकी है जहां आकर हमारी मेडिकल साइंस की सारी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं। क्या मतलब? अब वो कितने दिन जी पाएंगी ये कहना जरा मुश्किल है। ऐसी कौन सी बीमारी है? ब्लड कैंसर। ये बीमारी काफी दिनों से उनके अंदर पल रही थी, उन्हें यहां लाने में काफी देर हो गई। आई एम सॉरी। अरे देवा, क्या बात है देवा, तू इतना उदास क्यों है? कुछ कहना चाह रहा है मुझसे? डॉक्टर। क्या कहा डॉक्टर ने? कि मैं मरने वाली हूं? ये बात तो मैं बहुत पहले से जानती हूं। हाँ देवा, इस सच्चाई को जानते हुए भी मैंने उदासी को अपने आसपास भटकने भी नहीं दिया। जानते हो क्यों? क्योंकि मैं जया से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। पाप के मरने के बाद उसने जिंदगी में बहुत दुख देखे, सालों बाद उसने मुस्कुराना सीखा है। मौत का डर अपने चेहरे पर दिखाकर मैं उसकी वो मुस्कुराहट छीनना नहीं चाहती थी। ये सच है देवा कि अब तक मुझे मौत ने डरा रखा था, लेकिन तेरे मिलने के बाद वो डर भी निकल गया। अब मैं आराम से मर सकती हूं। मुझ पर एक एहसान और करेगा? अपनी बेटी के गले में मंगलसूत्र देखने का सपना हर मां का होता है। तू मेरा ये सपना पूरा करेगा?